प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट टू में आप सभी का स्वागत है। अब हम जानेंगे किस वर्ब के साथ यस और किस वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग किया जाता है। जिस मुख्य क्रिया के अंत में ओ डबल एस एस एच सी एच या एक्स लगा हो उसमें ईएस लगेगा। जैसे गो, गो में अंतिम शब्द ओ है और उससे पहले जी कंसोनेंट है, इसलिए इसमें ईएस लगेगा। डू, डू के अंत में ओ है और उससे पहले डी है जो कंसोनेंट है, इसलिए इसमें ईएस लगेगा। पास, पास के अंत में डबल एस है इसलिए ईएस लगेगा। मिस, मिस के अंत में डबल एस है इसलिए इस लगेगा। पस, अंत में यस यच है इसलिए इसमें ईएस लगेगा। ऐसे ही और एग्जांपल आप सभी के सामने हैं, इनको देखिए और समझिए। जिस मुख्य क्रिया के अंत में वाई हो और उससे पहले कंसोनेंट लगा हो उसमें वाई के बदले आई लिखकर ईएस लगेगा। जैसे ट्राई, इसमें अंत में वाई है और उससे पहले आर कंसोनेंट है, इसलिए इसमें ईएस लगेगा। और एग्जांपल आप सभी लोग देखिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे नोट अवश्य करें। जिस मुख्य क्रिया के अंत में वाई हो और उससे पहले वावेल लगा हो उसमें केवल एस लगेगा। जैसे से, इस शब्द के अंत में वाई है और उससे पहले ए जो वावेल है, इसलिए इसमें केवल एस लगेगा। जिन नियमों को आप पीछे देख चुके हैं उनके अंतर्गत आने वाले क्रियाओं को छोड़कर बाकी सभी के साथ यस लगेगा। जब कर्ता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं? ही, वह, यह पुरुष लिंग के लिए यूज किया जाता है। सी, वह, यह स्त्री लिंग के लिए। इट, इसका मतलब यह और वह होता है। एनी नेम, किसी का नाम। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, आई मिस मैं, वी, हम लोग, हम सब, यू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, दे, वे, उन्होंने, वे लोग, वे सब, ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हैं। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करें, उसके बाद वर्ब का। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करें, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। अब आप एग्जांपल देखिए। अगर आपने इससे पहले पार्ट वन वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें, तभी आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। मैं जाता हूँ, मैं का इंग्लिश आई होता है और आई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। वो आती है, अर्थात वह आती है, और वह इसमें स्त्री लिंग के लिए दर्शाया गया है, इसलिए सी का यूज होगा। हमारा सब्जेक्ट सी होगा, आती है कम, और यह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है सी, इसलिए इसमें यस का प्रयोग होगा। आप सभी लोग इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। सभी वाक्यों के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं, ऐसे शब्द आते हैं। इस आधार पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कर सकते हैं। वह झूठ बोलता है, वह का इंग्लिश ही लिखें। बोलता है, बोलना का टेल, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें यस लगा देंगे। और झूठ या लाए, ही टेल से लाए।
जब इंग्लिश शब्दों के अंत में ओ डबल एस एस एच सी एच या यक्स हो तब ई एस का प्रयोग करें मुख्य क्रिया के साथ, बाकी सभी के साथ यस का प्रयोग करें। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ लोग के लिए पीपल का यूज मत करिए। हम लोग भी खेलते हैं प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मैं का इंग्लिश आई लिखें, उसके बाद वर्ब ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा के लिए ऑलवेज और बोलना स्पीक सच द ट्रूथ। आप सभी लोग नोट कर लीजिए कि सच के लिए स्पीक और झूठ के लिए टेल का यूज होता है। बोलने के अर्थ में मैं स्कूल जाता हूँ, मैं का आई, जाता हूँ गो स्कूल टू स्कूल, यहाँ आई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है इसलिए गो के साथ ई एस का यूज नहीं किया गया है। मैं बिहार में रहता हूँ, आई लिव इन बिहार, मैं के लिए हमने आई का यूज किया। फिर वर्ब रहना लिव बिहार में, इन बिहार, बड़े स्थानों के साथ इनका यूज किया जाता है मैं के अर्थ में। मैं सब जानता हूँ, मैं का इंग्लिश आई, जानता हूँ नो सब एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ आई नो सब कुछ एवरीथिंग। मैं वर्ग पाँच में पढ़ता हूँ, मैं का इंग्लिश आई, पढ़ता हूँ रीड वर्ग पाँच में इन क्लास फाइव। मैं कक्षा पाँच में पढ़ता हूँ, आई रीड इन क्लास फाइव। मैं कोचिंग रोज जाता हूँ, मैं का इंग्लिश आई जो सब्जेक्ट है और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जाता हूँ गो टू कोचिंग रोज कोचिंग डेली, आई गो टू कोचिंग डेली। आप सभी लोग यह नोट कर लीजिए कि जो आई होता है यह प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है, बाकी पास्ट और फ्यूचर टेंस में यह सिंगुलर होता है। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, वो काम करता है, ही वर्क्स, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं का इंग्लिश आई, पढ़ाता हूँ टीच आपको यू। हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग वी जाते हैं गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, वे लोग दे खेलते हैं प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। मैं उसे पीटता हूँ, मैं का इंग्लिश आई, पीटता हूँ बीट उसे, हिम आई बीट हिम। मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, शिक्षक प्लूरल हो गया, टीचर्स पढ़ाते हैं, टीच हमें अस, ये वी का ऑब्जेक्टिव केस है। वही लोग क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। वे बच्चे स्कूल जाते हैं, वे बच्चे, ये पूरा सब्जेक्ट हुआ। दो चिल्ड्रेन जाते हैं गो टू स्कूल, दो चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। आप सभी लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप सभी लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 3 देखना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर देखें।